भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने आज घोषणा की वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 नवंबर को होने वाले T20 मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। नेहरा ने यह पत्रकारों से कहा, ऐसे में रिटायर होना अच्छा लगता है जब लोग क्यों नहीं से ज़्यादा क्यों सवाल पूछते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में पहले कहा, मैंने टीम प्रबंध और चयन समिति के प्रमुख से बात की है, मेरे लिए घरेलू दर्शकों के सामने खेल को अलविदा कहने से बढ़कर कुछ नहीं होगा। उसी मैदान पर 20 साल पहले मैंने अपना पहला रणजी मैच खेला था। उन्होंने कहा, मैं हमेशा कामयाबी के साथ संन्यास लेना चाहता था, मुझे लगता है कि यह सही समय है और मेरे फैसले का स्वागत भी किया गया है। 38 वर्ष के नेहरा ने मुख्य कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली को इस फैसले की जानकारी दे दी है। भारत और न्यूजीलैंड 22 अक्टूबर से 3 मैचों की वनडे और 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेलेंगे। इसके बाद 2018 में कोई T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं होना है। नेहरा ने कहा कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे युवाओं को ही और मौके दिए जाना सही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह अब IPL भी नहीं खेलेंगे। भारत के लिए 1999 में पहला मैच खेलने वाले नेहरा 17 टेस्ट, 120 वनडे और 26 T20 मैच खेल चुके हैं। उन्होंने 44 टेस्ट, 157 वनडे और 34 T20 विकेट भी लिए हैं। उन्होंने डर्बन में 2003 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 23 रन देकर 6 विकेट लेने के लिए याद रखा जाएगा। बीमार होने के बावजूद उन्होंने उस मैच में यह प्रदर्शन किया था। वह 2011 विश्व कप विजेता टीम के भी सदस्य थे और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। उंगली में फ्रैक्चर के कारण वह फाइनल नहीं खेल सके थे। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।